पर तशद्दुद किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान पुलिस के हाथ से आए हैं उन पर जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो। मज़ीद वीडियो दिखाने के साथ साथ आपको बताता चलूं कि इस वक्त इमरान खान को ट्रैप किया गया है। जैसे इमरान खान अदालत में पेश होने के लिए जमान पार्क से निकले तो पीछे से 10,000 पुलिस एहलकारों के साथ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के घर पर धावा बोल दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इमरान खान के घर की दीवारें और गेट तोड़े जा रहे हैं और अंदर मौजूद तमाम लोगों को, जिनमें से कुछ लोग काम करने वाले हैं और कुछ लोग पीटीआई के वर्कर हैं, जबकि उन्होंने आगे से मुजामत भी नहीं की, फिर भी इन पर पुलिस जानवरों की तरह का तशद्दुद कर रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस वालों ने बिना किसी साथ में लेडी पुलिस को लिए इमरान खान के घर पर धावा बोल दिया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस इमरान खान के पर्सनल कमरे में दाखिल हो रही है, जहां पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी अकेली है। दूसरी तरफ इमरान खान को इस्लामाबाद टूल प्लाजे पर रोक लिया गया। इमरान खान के पास जो दो मौजूद जैमर गाड़ियां थी, एक तो उलट गई जबकि दूसरी का टायर ब्रेस्ट हो चुका है। अब इमरान खान के पास ऐसी कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं जो कि इमरान खान को रिमोट कंट्रोल बम या फिर किसी और दहशतगर्द हमले से बचा सके। इस वक्त इमरान खान के साथ एक गनोना खेल खेला जा रहा है। अब पाकिस्तान की अदालतें किधर सो रही हैं? अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए कि जब इमरान खान अदालत में पेशी के लिए आ रहे थे तो फिर इस सब का क्या मकसद है? ये तो कुछ भी नहीं। आप ये आगे वाली वीडियो मुलाजा फरमाएं।